देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में शुक्रवार को गोवंडी स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर एक भिखारी की मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने भिखारी की पहचान 82 साल के बीर भी चंद आजाद के रूप में की है। पुलिस इस भिखारी के घर पहुंची तो उसे 1.7 लाख रुपए के सिक्के और लगभग 8.7 लाख रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट के पेपर्स मिले। इस व्यक्ति ने पैन कार्ड, आधार कार्ड और सीनियर सिटीजन कार्ड भी बनवा रखा था। भिखारी की झोपड़ी में इतनी दौलत देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। 4 बैगों में भरकर रखे गए सिक्कों को गिनने में भी पुलिस को 6 घंटे लगे। सीनियर इंस्पेक्टर नंद कुमार शास्त्री ने बताया कि झुग्गी वाली इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने बताया है कि वह भिखारी ही था। उसके कुछ कागजों में उसके घर का पता था जो कि राजस्थान का है। वह मुंबई में अकेला ही रहता था। शुक्रवार को हुए इस हादसे के बाद झोपड़ी में पहुंची दर्जन भर पुलिस वालों की टीम आजाद की संपत्ति से जुड़ी कार्रवाई को रविवार तक पूरी कर पाई। 10x10 की इस छोटी सी झोपड़ी में लाखों की दौलत देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। इंस्पेक्टर शास्ते ने कहा कि हमने शनिवार रात को सिक्के गिनने शुरू किए और रविवार सुबह तक गिनते रहे। पूरे कमरे में बहुत सारे कागजात पड़े थे, जिसमें 8.7 लाख रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट के पेपर्स भी थे। हमने राजस्थान पुलिस को भी बीर भी चंद आज़ाद के बारे में सूचना दे दी है। जानकारी के मुताबिक आज़ाद गोवंडी में कई सालों से रह रहा था। वह हार्बर लाइन के रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगता था। झुग्गियों में रहने वाले एक फेरी वाले ने बताया कि आज़ाद कहता था कि वह अपने बच्चों के लिए ही मुंबई में रहकर भीख मांगता है। बाकी झुग्गियों में रहने वाले कई दूसरे भिखारियों का कहना है कि उन्हें कभी अंदाजा भी नहीं हुआ कि आज़ाद के पास इतने पैसे हैं। दोस्तों, मुंबई के इस लखपति भिखारी के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।